नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई की बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अगर हम बात करें आईपीएल 2021 को लेकर के, क्योंकि भाई आईपीएल 21 में ऐसी खबर निकल के आई थी कि दो नई टीमें जुड़ेंगी आईपीएल में, और भाई अब खबर निकल के ये सामने आ रही कि जो दो नई टीमें जुड़ने वाली थी वो हो गई हैं कैंसिल। यानी कि आईपीएल 21 में हमें 8 टीम ही नज़र आएंगे खेलते हुए, जो कि भाई 2020 में जिन्होंने खेला था। और भाई अगर आईपीएल 21 में दो नई टीम नहीं आती हैं तो इसका साफ नतीजा और भाई इंपैक्ट पड़ेगा आईपीएल ऑक्शन पे। तो यानी कि हमें आईपीएल ऑक्शन भाई जो है मेगा ऑक्शन देखने को नहीं मिलेगा, एक मिनी ऑक्शन हो सकता है जो कि हर बार रखा जाता है। दोस्तों ऐसे में भाई ये क्या कुछ है, पूरी खबर क्या, सचमुच जो है टीम कैंसिल हो गई है और क्या मेगा ऑक्शन कैंसिल होने वाला है कि नहीं होगा, तो भाई इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सबसे बड़े फैन है भाई आईपीएल के और भाई आईपीएल लीग आपको पसंद है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आईपीएल से जुड़ी हुई। तो दोस्तों भाई जैसे कि आईपीएल 2020 खत्म हुआ तो आईपीएल 21 को लेकर सब में जो उत्साह है और भाई उत्तेजना जो है बढ़ गई, क्योंकि भाई आईपीएल 21 के लिए जो समय है काफी कम बचा गया है। तो भाई इसको लेकर सौरव गांगुली ने कह दिया था कि जो कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था भाई कि एक बीसीसीआई मीटिंग रखी जाएगी और दो नई टीमें जो है आईपीएल से जुड़ना चाहती है तो उन पर भी जो है विचार विमर्श रखा जाएगा उस मीटिंग में। तो भाई जो बीसीसीआई मीटिंग को 24 दिसंबर 2020 को होनी है दोस्तों, इस मीटिंग में सब कुछ जो है डिस्कस किया जाएगा कि आईपीएल में सही में दो टीमें आएंगी कि नहीं आएंगी, और आईपीएल भाई जो 21 का होगा उसमें मेगा ऑक्शन होगा कि मिनी ऑक्शन होगा, और आईपीएल जो 21 है वो इंडिया में होगा कि नहीं होगा, और क्या रहेगा भाई आईपीएल का टाइम टेबल अगर इंडिया में होता है। दोस्तों भाई ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने जानी है आईपीएल 21 को लेकर के भाई बीसीसीआई मीटिंग में। तो अब दोस्तों भाई जो खबर निकल के सामने ये आ रही कि जो मीटिंग है वो तो होगा 24 दिसंबर को, लेकिन भाई उनको लेकर के जो दो नई टीमें आने वाली थी वो हो गई हैं कैंसिल। भाई ये क्या खबर है, हम बात करते हैं। दोस्तों भाई जैसे कि जो मीटिंग है वो होता है एजीएम मीटिंग, यानी कि भाई साल में एक मीटिंग रखा जाता है, उसमें सारे एजेंडा को डिस्कस करना पड़ता है आपके आने वाले सालों के बारे में और भाई जो बीसीसीआई का पूरा कार्य निर्णय बीत गया उसके बारे में। दोस्तों भाई ऐसे में अगर कुछ कोई भी निर्णय लेना पड़ता है आईपीएल के लिए, तो भाई जो भी टीम और जो भी मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उस एजीएम में, सबको भाई अपनी देनी पड़ती है सहमति। और भाई खबर निकल के ये सामने आ रही कि जो वो टीम है बीसीसीआई की जो मीटिंग करने वाली है वो दो पार्ट में हो गई है डिवाइड, यानी कि भाई एक पार्ट जो है वो सहमति जता रही है कि दो टीमें आनी चाहिए, और भाई जो एक दूसरी पार्ट है वो सहमति जता रही है कि टीम नहीं आनी चाहिए। तो भाई यानी कि ये मीटिंग भाई दो पार्ट में बट गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि 24 दिसंबर को क्या फैसला लिया जाता है। तो अब दोस्तों भाई अगर ये दो टीमें नहीं आती हैं, यानी कि अगर की सहमति नहीं होती है तो दो टीमें नहीं आएंगी, और भाई अगर सबकी सहमति रहेगी तभी दो टीमें जो है आईपीएल में एंट्री मार सकती हैं। तो अब दोस्तों अगर ये दो टीमें नहीं आएंगी भाई तो आईपीएल का जो ऑक्शन होने वाला है उस पर बहुत ही बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी कहा जा चुका था कि अगर नई टीम नहीं आएंगी तो एक मिनी ऑक्शन रखा जाएगा, थोड़े खिलाड़ियों की जो है ट्रेडिंग होगी। तो भाई ऐसे में आपका क्या कहना है इसके बारे में कि क्या दो नई टीमें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और आईपीएल में क्या हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप भी भाई हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों बात करूं भाई जैसी ये खबर निकल के सामने आई है तो आईपीएल टीम्स, आईपीएल फ्रेंचाइजी और भाई फैंस से पूरी तरीके से खलबली मच गई है कि ये अचानक क्या हो गया। पहले तो भाई रखा गया कि दो टीमें आने वाली हैं, फिर भाई ऐसा बता गया कि मीटिंग में पूरा डिस्कस होगा, अब ये खबर निकल के सामने आ रही कि जो मीटिंग है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, यानी कि दो नई टीमें जो है हमें आती हुई नजर नहीं आएंगी। दोस्तों भाई आज के वीडियो में बस इतना, ऐसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फैन हैं आप आईपीएल के, क्रिकेट के भाई सपोर्ट करते हैं आप इस लीग को, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।